अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज यासिर खान रोखड़ी एंड यू आर वाचिंग यासिर खान रोखड़ी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव क्रॉस 10,000 सब्सक्राइबर्स। आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू। आप सब की मोहब्बत का शुक्रिया, आप सब के ट्रस्ट और सपोर्ट का शुक्रिया। आप लोगों के एतमाद, सपोर्ट और मोहब्बत के बगैर मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था, शायद पॉसिबल ना होता, तो थैंक यू वेरी मच। आज एक अवामी फिजिबिलिटी के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ, मेरे उन दोस्तों उन भाइयों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते ज़्यादा, तो लिमिटेड बजट के बीच में शौक भी पूरा होता रहेगा और एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी आप डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे। बिफोर आई स्टार्ट, वीडियो के एंड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा अहम ऐलान करने वाला हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, ऐलान ज़रूर सुनिएगा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। फिजिबिलिटी है जी ग्रीन फिशर इंटू ग्रीन फिशर। ग्रीन फिशर की आपने पेयरिंग करनी है। पेयर हमें कॉस्ट करेगा जी 500 रुपये का एक पीस, 500 रुपये का दूसरा पीस, 1,000 रुपया इस पेयर की टोटल कॉस्ट है। क्लच हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ग्रीन फिशर है, वाइल्ड टाइप है, तो आराम से ब्रीड करता है, स्ट्रांग होता है बर्ड, तो 4 चिक्स तक मिनिमम हमें इस पे एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो 4 चिक्स एक क्लच में, 500 रुपये का एक फिशर है। अच्छा, नॉर्मली जब हम फिजिबिलिटी बनाते हैं तो जो हमारी बाइंग और सेलिंग प्राइस होती है उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंस रखता हूँ। नॉर्मली मेरी जो सेलिंग प्राइस होती है वो कम होती है बाइंग प्राइस के हवाले से, बिकॉज जैसे जैसे मार्केट में बर्ड की सप्लाई इंक्रीज होती है बर्ड की प्राइस रिड्यूस होती है। फिशर सबसे बड़ा इसका फ़ायदा स्टैंडर्ड रेट है, बाटा रेट है, एक ही प्राइस है, बेचते वक्त भी वही रेट, खरीदते वक्त भी वही रेट। तो यहाँ पर भी हम 500 की प्राइस ही लेंगे। 500 एक बर्ड की, 4 बर्ड हम एक क्लच में प्रोड्यूस करेंगे, क्लच 2000 का। अब 1,000 रुपये का आपने पेयर खरीदा और एक क्लच में ही आपको 2,000 रुपया उसका मुनाफा आ गया। आपके 1,000 रुपये की रकम जो आपने खर्ची वो भी पूरी होगी और उसके साथ एडिशनल 1,000 रुपये एक्स्ट्रा आपको प्रॉफिट की शक्ल में भी आ गया। सीजन में हम 3 क्लच लेंगे जी। 3 क्लच अगर हम लेते हैं तो एक क्लच 2,000 रुपये का है, तो 3 क्लच इंटू 2,000 6,000 रुपया आपका हो गया एक जोड़े का मुनाफा एक सीज़न में। अब हम फिजिबिलिटी बनाएंगे जी 50 जोड़े की। 50 जोड़ा, अच्छा ये इसमें हमने ये लगाना भी कॉलोनी में है, इसमें हम एक बड़ी कॉलोनी बना सकते हैं और अगर हम स्पेस का इशू है तो 25-25 जोड़े की दो छोटी छोटी कॉलोनीज भी बना सकते हैं। तो ब्रीडिंग केजेस पे आपका एक्सपेंस नहीं होगा। इसके अलावा ग्रीन बर्ड है, वाइल्ड टाइप है, स्ट्रांग बर्ड है, हमें बहुत एक्स्ट्रा को न्यूट्रिशन केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। बेसिक दाना पानी करते रहें, जो घरों में आपकी सब्जियां इस्तेमाल होती हैं, जो सब्जियां बच जाएं वो आप इनको दे दें, कुछ सब्जियों के छिलके दे दें, बेसिक न्यूट्रिशन आप इसकी कीप अप करें, ज़्यादा एक्सपेंस करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो अच्छा रिजल्ट फिर भी आपको ये देगा। चलें जी 50 जोड़े का हम सेटअप लगाते हैं। 50 पेयर इंटू 1,000, 1,000 रुपये का एक जोड़ा है, तो 50,000 रुपया हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है 50 जोड़े के सेटअप की। सीजन में, अच्छा यहाँ हम 50 जोड़ा ले रहे हैं, यहाँ हम लिख रहे हैं 40 हम इसलिए लिख रहे हैं कि हम ये अज्यूम करेंगे 50 में से 40 जोड़ा तकरीबन आपका चल जाए। अगर 40 जोड़ा भी चल जाए तो एक जोड़े की सीजन की बचत है 6,000 रुपया। तो 40 जोड़ा इंटू 6,000, 2,40,000 रुपया आपको सीजन में 50 जोड़े से आना चाहिए। और 2,40,000 को अगर हम 12 पे तकसीम करें तो पर मंथ 20,000 रुपीज हमारा इसका प्रॉफिट आ रहा है। अब 50,000 रुपया इन्वेस्ट करके अगर हमें 20,000 रुपया महाना इनकम मिलती है, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। 50,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट इजीली अरेंज भी की जा सकती है और उसके अगेंस्ट अगर हमें मंथली 20,000 रुपया मिल रहा है, तो एक मेरा कोई दोस्त, मेरा भाई जो एक लो इनकम ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वो अगर कोई 20-25 हज़ार की कहीं नौकरी कर रहा है, साथ एक ऐसा सेटअप भी लग जाए तो उसकी इनकम डबल हो सकती है, जिसमें वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बेचना कैसे है? देखें, फिशर एक कमर्शियल बर्ड है, उसकी बाटा प्राइस है, फिक्स प्राइस है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है, कोई स्पेशल मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जितने भी पट्ठे निकले हैं आपने थैलियों में डालना है। डिफरेंट बर्ड शॉप्स पे जाएं, 20 पीसेस को दे दिए, 20 पीसेस को दे दिए, 10 पीसेस को दे दिए, 8-10 दुकानों के ऊपर जितना आपका माल निकला हुआ है 500 रुपये के हिसाब से आप आराम से जाके बेच आएंगे। ना आपको इसके लिए कोई मशहूर ब्रीडर होने की ज़रूरत है, ना आपको इसके लिए कोई फेसबुक पर इश्तहार लगाने की ज़रूरत है। थैली में माल डालें, बर्ड शॉप पर जाएँ और माल बेच दें, एक तरीका। दूसरा तरीका,
अगर हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ब्रीड आती है, हमारी कोशिश होती है कि जी फौरन बेचें, फौरन पैसे कमाएं, जो पैसे लगाए हुए वो कवर करें। अगर हम थोड़ा सेंसिबली चलें और बर्ड्स को होल्ड करना सीखें, कुछ देर बर्ड्स को अपने पास रहने दें, थोड़ा सा उनको बड़ा करने दें। लेट से बर्ड्स निकले, हमने बर्ड्स को, चिक्स को होल्ड कर लिया और हमने वेट किया। नॉर्मली एक पट्टा सेल्फ हो जाता है 2 से 2.5 माह में, 3 माह में हम उसको नॉर्मली बेचते हैं। तो 3 माह में बेचने की बजाय हम 2-2.5 माह और इंतज़ार कर लें, 5 से 6 महीने की एज तक हम उनको अपने पास होल्ड करें। आपको ज़रा नर मादी एक्टिविटी देख के आइडिया हो जाएगा, आपको उनकी आपस में बॉन्डिंग देख के आइडिया हो जाएगा, जोड़े आपने बेसिकली बना लेने हैं, नर मादी कन्फर्म कर लेनी है। उसके बाद आपने इनको एज फॉस्टरिंग पेयर्स बेचना है। फॉस्टरिंग पेयर्स की डिमांड हर ब्रीडर को है, हर इतने सारे बहुत सारे नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नए फैंसियर्स आ रहे हैं जो महंगी म्यूटेशंस लगा रहे हैं। हर बंदा जो महंगी म्यूटेशन में इन्वेस्ट कर रहा है, फॉस्टरिंग पेयर उसकी बेसिक ज़रूरत है। किसी को 10 चाहिए जोड़े, किसी को 20 चाहिए, किसी को 30 चाहिए, तो फॉस्टरिंग पेयर्स के तौर पे भी ये बहुत यूज़फुल है। ग्रीन बर्ड है, ग्रीन बर्ड बहुत अच्छी फॉस्टरिंग करता है, बहुत अच्छे बच्चे पालता है, इसकी अच्छी डिमांड है। तो अगर हम थोड़ा सा बर्ड को होल्ड करके, बड़ा करके, बड़ी एज में 5 से 6 माह में जोड़े बना के बेचेंगे, तो यही जोड़ा जो हम यहाँ पे 1000 रुपये का बेच रहे हैं, वो हम 1800, 2000, 2200 तक, इवन 2500 तक भी फॉस्टरिंग पेयर की डिमांड होती है। तो आप आराम से फॉस्टरिंग पेयर्स अवेलेबल का ऐड लगाएं और अच्छे पैसों में इसको आप बेच दें। तो ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम ब्रीड आए तो फौरन निकालें। बर्ड को जब आप होल्ड करते हैं, ऑब्वियसली 3 माह के पट्टे की प्राइस और है, 5-6 माह के पट्टे की प्राइस और है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार होल्ड करेंगे तो दाने का खर्चा भी इतना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दे आर फिशर, सादा फिशर है, ग्रीन टाइप बर्ड है, स्ट्रॉन्ग बर्ड है, इसकी डाइट पर हमें उस तरह से खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जिस तरह से हम किसी एक्सपेंसिव म्यूटेशन पे एक्सपेंस करते हैं। सो एक बेसिक एक्सपेंस में हम इसको ब्रीड भी करा सकते हैं, इसकी चिक्स को हम अपने पास होल्ड कर सकते हैं और इससे अच्छा फ़ायदा ले सकते हैं। जब हमारे पास जब इसकी ब्रीड आ जाएगी, कुछ ब्रीड हम अपने लिए रोकें और बाकी ब्रीड हम बेच दें, तो हम 50 पेयर से अगले सीजन में आराम से 100 पेयर तक के सेटअप पर जा सकते हैं। 100 पेयर का सेटअप हो जाए, 20,000 की बजाय हम 40,000 पर मंथ की इनकम कमा सकेंगे और एक अच्छा सेटअप और अच्छा सिस्टम बनाने में कामयाब हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की फिजिबिलिटी अच्छी लगी होगी और थैंक यू वेरी मच अगेन, जो आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया उसके लिए, मेरी सब्सक्राइबर इंक्रीज़ के लिए। और एक अहम ऐलान जो मैं आपसे करना चाहता था, उसका अब टाइम हो गया। यासिर खान रोखड़ी एग्रीकल्चर स्कूल, A to Z ऑफ लवबर्ड ब्रीडिंग इन 3 आवर्स, ये एक वर्कशॉप मैंने की थी, आपको याद है, आप सब दोस्तों ने बहुत पसंद की थी और बहुत बड़े नंबर में आप सब दोस्त मेरे से बार बार पूछते थे कि दोबारा ये वर्कशॉप कब हो रही है, हम दोबारा इस वर्कशॉप को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, अगले चंद रोज में मैं सेकेंड वर्कशॉप ऑफ A to Z ऑफ लवबर्ड ब्रीडिंग इन 3 आवर्स अनाउंस करूँगा। जो दोस्त इस वर्कशॉप में, इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, वो स्टे ट्यून्ड एंड कीप एन आई, सब्सक्राइब करें और अपनी सीट बुक करने के लिए तैयार हो जाएं, बिकॉज लिमिटेड सीट्स होंगी, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, तो पहले जो आएंगे उनको एंटरटेन किया जाएगा, सबको एंटरटेन करना मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।